गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने किया प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को भव्यता से मनाने, कोविड वैक्सीनेशन की अफवाहों पर लगाम लगाने सहित अन्य योजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने कार्यकाल का पेश किया तीसरा बजट। आत्मनिर्भर भारत व डिजिटल इंडिया पर दिया जोर, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सहित टैक्स में भी दिया राहत, सोना चांदी किया सस्ता। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बजट की सराहना, दिए 10 में से 10 अंक। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा 4 फरवरी को चौरी चौरा सहित जनपद के सभी शहीद स्थलों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। शहीदों के परिजनों के पेंशन के लिए किया गया है कमेटी का गठन, पात्र लोग संपर्क कर उठा सकते हैं लाभ। बरगदवा स्थित एक स्वीट हाउस के प्रोपराइटर रवि चावला ने विद्युत विभाग पर बिजली मीटर के लोडिंग के नाम पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, जबकि अधिशासी अभियंता ने आरोपों का किया खंडन। कहा जांच कराकर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ की गई बैठक। लूट, चोरी, हत्या सहित अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लंबित पड़ी विवेचना के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद स्तरीय जिला पोषण समिति डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान की समीक्षा बैठक। एडीओ पंचायत ब्रह्मपुर द्वारा निर्माण की स्थिति की सही जानकारी नहीं दिए जाने पर जताई नाराजगी, स्पष्टीकरण के दिए निर्देश। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर गोरखपुर पहुंचने पर नागरिकों ने पर्वतारोही नीतीश सिंह को फूल माला और बुके देकर किया स्वागत अभिनंदन, लगाए गगनभेदी नारे। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत सीएमओ द्वारा महानगर स्थित चंद्रलोक कुष्ठाश्रम का किया गया निरीक्षण। कुष्ठ रोग के बारे में दी गई जानकारी, कुष्ठ रोगियों में स्वास्थ्य किट किया गया वितरण। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा 4 सूत्रीय मांग पत्र। अपनी मांगों पर विचार कर अविलंब पूरा करने की मांग। गोरखपुर में सोमवार को मिले मात्र 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,392। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 87 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्राइवेट चिट फंड कंपनियों में जमा धनराशि को वापस दिलाने की मांग को लेकर अलौकिक समाज पार्टी के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ रासायनिक खतरों से निपटने की तैयारी बैठक। 6 फरवरी को रासायनिक खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जाएगा जागरूक। और किसान यूनियन के द्वारा नगर निगम पार्क में धरना देने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। सीओ कोतवाली ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।